इट्स लॉट, मैं कंचन ब्रिजवानी। मुझे परमेश्वर ने मेरे जीवन में बहुत ऐसा कुछ कार्य किया है जो मैं अपने तक रखना नहीं चाहती, क्योंकि जैसे आप सब जानते हैं कि लॉकडाउन है, हम काफ़ी समय से हम कलस्या नहीं गए, इकट्ठा नहीं हुए, संगति नहीं हुई है। तो मुझे मेरे जीवन में जो परमेश्वर ने किया है तो वो मुझे बताना है प्रभु की महिमा के लिए, तो मैं वो अपने तक रख नहीं पा रही हूँ। हमें नहीं पता लॉकडाउन कब ख़त्म होगा, कब हम संगति करेंगे, कलस्या में जाएंगे। तो इसीलिए मुझे लगा कि मैं ये वीडियो शूट करूं ताकि परमेश्वर की महिमा हो, परमेश्वर ने जो मेरे जीवन में अद्भुत कार्य किया है वो प्रभु के लोगों तक पहुंचे, उन लोगों तक पहुंचे जो शायद निराश हैं या फिर उन्हें लग रहा है कि प्रभु है कि नहीं, प्रभु सुन रहा है कि नहीं। तो उन लोगों के लिए और विशेष विशेष प्रभु की महिमा के लिए मैंने ये चुना कि मैं वीडियो रिकॉर्डिंग हो मेरी टेस्टिमनी का। एक हफ्ता पहले मेरी डिलीवरी हुई, थर्ड बेबी को मैंने डिलीवर किया। लेकिन जब मैंने कंसीव किया, थर्ड चाइल्ड मैंने जब कंसीव किया, तब मैंने बिल्कुल प्लान नहीं किया था, मेरे हस्बैंड ने, हम लोग का कोई प्लान नहीं था, हमने कोई सोचा नहीं था कि हम करेंगे, थर्ड बेबी करना है। और इनफैक्ट उसके कुछ दिन पहले ही हमने डिसाइड किया था कि बस ऑपरेशन करना है, अब नहीं, बच्चा नहीं, दो बेबी हैं, दो गर्ल्स हैं, वो काफ़ी है। तो और फिर एकदम से अचानक से मैंने कंसीव किया, मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था, मैंने सोचा नहीं कि ऐसा कुछ मेरे जीवन में होगा। तो जैसे मुझे पता चला कि मैंने कंसीव किया है, सच बताऊँ तो मैं बहुत निराश हो गई। मैं रेडी नहीं थी, क्योंकि मुझे मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था। और मैंने कंसीव किया और मुझे मैं दो दिनों तक काफ़ी डिप्रेशन में थी, रात रात भर उठ के रोती थी कि क्या होगा, कैसे होगा, क्योंकि मैं पीछे जा नहीं सकती थी और आगे मैं जाना नहीं चाहती थी। जैसे आप सब जानते हैं कि अबॉर्शन सबसे बड़ा पाप है, और ये मैं सपने में भी नहीं सोच सकती कि ऐसा कुछ मैं ऐसे कुछ करूँगी। तो मैंने चुना, डिसाइड किया कि नहीं, ये बेबी तो वो ऑप्शन ही नहीं है, कि अबॉर्शन का ऑप्शन ही नहीं है मेरे लाइफ में। तो मैंने एक्सेप्ट किया गॉड के विल को। लेकिन सच बताऊं, मैं बहुत अपसेट थी, परेशान थी, रात को उठ के रोती थी। मुझे अच्छे से याद है, दो रातें मैं सोई नहीं, उठ के रोती थी, अपने हस्बैंड को कहती थी कि कैसे होगा, मुझसे नहीं होगा, मैं नहीं कर पाऊंगी। और वो मुझे हिम्मत देते थे, दिलासा देते थे कि नहीं, हमारे अंदर प्रभु का भय है, अगर हम चाहें तो हम अभी इसको अबॉर्ट कर सकते हैं और किसी को पता भी नहीं चलेगा, लेकिन हमारा परमेश्वर हमें देख रहा है, तो हम ये चीज़ तो हम कभी नहीं करेंगे। तो दो रात तक मैं काफ़ी डिप्रेस थी। और मुझे याद है तीसरी जब सुबह हुई, जैसे मेरी आँख खुली, एक परमेश्वर की स्पष्ट आवाज़, पवित्र आत्मा की स्पष्ट आवाज़ मेरे कान में आई, और क्लियर ऐसे आवाज़ आई कि परमेश्वर मेरी कोख को और मेरे जीवन को इस्तेमाल करना चाहता है किसी को इस दुनिया में आने के लिए। तो वो चीज़ ने मुझे हिम्मत दी, लेकिन फिर भी मैं कहीं ना कहीं डरी हुई थी, क्योंकि मेरी जो सेकेंड बेबी है वो सिर्फ उस समय 1 साल की थी, और मेरी बॉडी इतनी ज़्यादा, मतलब स्ट्रेंथ वापस उसे नहीं गेन किया था, रिकवरी इतनी हुई नहीं थी, तो मैं वीकनेस बहुत थी मेरे बॉडी में। और विशेष जो मेरे घर में जो मेरा सपोर्ट सिस्टम था, मेरी मदर इन लॉ, उन दिनों उनकी भी तबीयत ठीक नहीं थी और उनका भी हार्ट का ऑपरेशन होने वाला था। तो ये सारी चीज़ें मुझे बहुत डरा रही थी कि मेरी बॉडी वीक है, मेरी बेबी 1 साल की है, और घर पे मेरे को ज़्यादा सपोर्ट नहीं मिलेगा, मैं कैसे करूँगी, 3 बच्चे, ये सोच के मुझे बहुत डर लगता था। मैंने एक्सेप्ट किया गॉड की विल को, लेकिन मैं बहुत डरी हुई थी। और फिर जैसे जैसे दिन बीते, मेरी तबीयत काफ़ी, मतलब ख़राब होने लगी मेरी तबीयत, और मैं वीकनेस बहुत थी, 3 से 4 महीने तक मैंने कुछ खाया नहीं था ढंग से, तो वीकनेस बढ़ती जा रही थी मेरी बॉडी में। तो मैंने यही सोचा कि मैंने प्रभु की आज्ञा को माना, मैंने प्रभु की इच्छा को माना, फिर क्यों मेरे साथ ऐसा हो रहा है। लेकिन उस समय मुझे वो बाइबल का वो भाग याद आया, शद्रक मेशक और अबेदनगो का, जब उनको बोला गया कि जैसे ही राजा ने ऐलान किया कि जैसे ही आप आवाज़ सुनोगे और आपको दंडवत करना है मूर्ति के आगे, लेकिन शद्रक मेशक और अबेदनगो ने
एकदम से इनकार कर दिया, और फिर उनको जैसे इनकार किया तो ये पनिशमेंट थी कि उनको आग की भट्टी में डाला जाएगा। लेकिन जैसे उन्होंने बोला हम नहीं मानेंगे, हम नहीं दंडवत करेंगे, तो बाइबल में स्पष्ट लिखा है कि 7 गुना ज़्यादा उनकी उस आग को बढ़ाया गया। मतलब आज्ञा, मुझे यही चीज़ पूरे पूरे समय याद आती रही कि आज्ञा पालन करना ज़रूरी नहीं कि उसके बाद सब कुछ अच्छा हो, लेकिन एक संतुष्टि ज़रूर थी कि परमेश्वर ने इतनी हिम्मत दी कि मैंने उसकी आज्ञा को पालन किया। तो मेरी तबीयत काफ़ी ख़राब थी, मैं वीकनेस मेरी बढ़ती जा रही थी और मैं थोड़ा सा लोनली फील कर रही थी। फिर जैसे जैसे वक्त बीता प्रभु ने मुझे हिम्मत दी, लेकिन कहीं ना कहीं फिर रुक रुक के मुझे रोना आता था। मैं डर जाती थी कि 3 बच्चे ऐसे ज़माने में, और महंगाई तो है ही, लेकिन कैसी परवरिश करूँगी, मेरी तबीयत कैसी होगी, ये चीज़ें बीच बीच में मुझे थोड़ा सा परेशान करती थी। लेकिन प्रभु के वचन से प्रभु मुझे सांत्वना देते गए। पूरे 9 महीने तक प्रभु ने मुझे संभाला, और फिर जैसे 8वां महीना हुआ मेरा, तो जैसे आप सब जानते हैं लॉकडाउन स्टार्ट हो गया और इतना ऐसा वायरस आ गया और सब कुछ बंद हो गया। मेरा 8वां महीना था और मुझे ये भी थोड़ा सा डर था कि कैसे होगी मेरी डिलीवरी, क्या होगा, बट फिर वो भी स्टेज पार हो गया। 9वां महीना आ गया और प्रभु ने संभाला मुझे उस स्थिति में भी। 9वां महीना भी पार हो गया, 3 दिन आगे चले गए, मेरी ड्यू डेट में बस 2-4 दिन ही थे। मैं डॉक्टर के यहाँ चेकअप कराने गई तो डॉक्टर ने कहा कि बच्चा काफ़ी ऊपर है, जितना नीचे होना चाहिए नॉर्मल डिलीवरी के लिए उतना नीचे है नहीं, और मैं ज़्यादा रुक नहीं सकती क्योंकि ड्यू बस बहुत नज़दीक है, ज़्यादा टाइम बच्चे को अंदर रख नहीं सकते। तो मैं 2 दिन तक, हम देखेंगे, 2 दिन तक अगर पेन्स होंगे, बच्चा नीचे आएगा तो ठीक है, वरना फिर हमें सी सेक्शन करना पड़ेगा। तो मैं फिर आई घर और हमने प्रभु के आगे प्रार्थना की कि बच्चा नीचे आना चाहिए, और मेरे परमेश्वर के दासों ने प्रार्थना की, परिवार वालों ने प्रार्थना की, और बस एक ही दिन हुआ डॉक्टर से मिलकर आई, उसके अगले दिन ही मुझे मॉर्निंग में पेन स्टार्ट हुए और मैं बस हॉस्पिटल पहुंची सुबह सुबह। और मैं जैसे पहुंची, डॉक्टर 15 मिनट के बाद आई और सबसे पहला सवाल कि बच्चा नीचे है कि नहीं, उसने कहा काफ़ी नीचे आ गया बच्चा। और बस डॉक्टर के आने के आधे घंटे में मेरी डिलीवरी होगी। मैंने 3rd हेल्दी चाइल्ड गर्ल को डिलीवर किया, और सबसे अद्भुत बात ये थी कि पूरे 9 महीने मैंने, मुझसे कुछ अच्छे से खाया नहीं जाता था, स्ट्रेंथ नहीं थी और लोड काफ़ी था, इसके बावजूद मेरे 3 डिलीवरी में से ये डिलीवरी सबसे अच्छे से विद इन हाफ एन आवर में डिलीवरी हुई, ज़्यादा पेन्स नहीं हुए, और 3 बच्चों में से हेल्दी बच्चा ये हुआ। सच में प्रभु को धन्यवाद कि प्रभु है, प्रभु विश्वास योग्य है, और प्रभु का कार्य रुका नहीं। प्रभु ने दुआओं को सुना, दिन और रात मेरे लिए दुआ की गई, प्रभु ने अपने बच्चों के शब्द को आदर दिया और मुझे ऐसे लॉकडाउन के समय सब कुछ अवेलेबल कराया, मतलब जो एक्सपेक्ट नहीं किया था। और मैं आखिरी दिनों में काफ़ी डरी हुई थी मेरे डिलीवरी को लेके, क्योंकि मेरे अंदर काफ़ी वीकनेस थी, जो स्ट्रेंथ चाहिए नॉर्मल डिलीवरी के लिए मुझे लगा मेरे अंदर नहीं है। लेकिन मैं जैसे हॉस्पिटल की तरफ जा रही थी कार में बैठकर, बस यही मैंने प्रभु को कहा, प्रभु मेरे अंदर बिल्कुल ताकत नहीं है, तू देख ले प्रभु क्या करना है, मुझे नहीं पता। लेकिन प्रभु विश्वास योग्य था, जिस डॉक्टर ने मेरी डिलीवरी की उसने बच्चे के डॉक्टर को बुलाया था, नर्स को बुलाया था, हेड नर्स को, और एक और डॉक्टर उनको जो असिस्ट करने वाली थी उनको बुलाया था, लेकिन वो 3 पहुँचे ही नहीं थे, उसके पहले ही मेरी डिलीवरी हो गई। और जो भी सुन रहा था, देख रहा था, एकदम शॉक होगा कि हो गई इतनी जल्दी डिलीवरी, मतलब वो सभी लोग रास्ते में ही थे और वो पहुँचे ही नहीं थे। डिलीवरी हो गई मेरी इतने अच्छे से और हेल्दी बच्चे को डिलीवर किया मैंने, ये प्रभु को बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। और विशेष ये चीज़ को कंफर्म और ज़्यादा हुआ कि आज 7-8 दिन हो गए मेरे डिलीवरी को, और कंटिन्यू मैं जब प्रे कर रही थी बेबी के नाम के लिए, प्रभु ने आज सुबह ही मुझे वो नाम दिया, और ये 100% कन्फर्म हुआ कि गॉड का प्लान था, क्योंकि जो नाम प्रभु ने मेरे ड्रीम के थ्रू मेरे दिल में डाला वो था युक्ति। युक्ति का मतलब है योजना, प्लान। तो ये सारी चीज़ों में मेरा कोई प्लानिंग नहीं था, कोई पार्टिसिपेशन नहीं था, लेकिन प्रभु को धन्यवाद कि पूरा 9 महीने जो भी प्लानिंग है बेबी का गॉड ने किया, पूरा संभाला प्रभु ने, और
इसका नाम भी प्रभु ने दिया युक्ति करके, कि यही साबित होता है कि ये गॉड का प्लान है और आगे प्रभु ही संभालेगा। और विशेष मैंने ये वीडियो सिर्फ प्रभु को महिमा देने के लिए और उन लोगों तक ये संदेश पहुंचाने के लिए कि प्रभु के लिए कोई बात असंभव नहीं। हम आज्ञा पालन करते हैं तो उसके बाद हो सकता है थोड़ी मुश्किलें आए, लेकिन सच में प्रभु विश्वास योग्य है। जब हम पार करके जाएंगे इस चीज़ को, प्रभु हमारे लिए खड़ा है, उस पूरे दौर में भी खड़ा है, उस पूरे सफ़र में भी है, और अंत में भी वो खड़ा है हमें जीत दिलाने के लिए। और विशेष ये वीडियो इसलिए भी मैं कर रही हूँ ताकि उन सभी लोगों को, प्रभु के दासों को, प्रभु के बच्चों को, कलसियाओं के लोगों को और मेरे परिवार वालों को धन्यवाद देने के लिए कि उन्होंने मेरे लिए दिन और रात प्रार्थना की और प्रभु ने मेरी दुआ को सुना और प्रभु को सारी महिमा मिली। प्रेज़ द लॉर्ड।